माँ के दर्शन करके नई सुबह के साथ माँ वैष्णो देवी सीरीज के तीसरे ब्लॉग का मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस ये सुबह का नज़ारा है माँ के भवन का। हम रोपवे की लाइन में लगे हुए हैं, जो भैरवनाथ की चढ़ाई रोपवे से ही करेंगे। और कितना प्यारा नज़ारा है देखिए, सुबह की पहली किरण माँ के भवन पर पड़ती हुई, ये देखिए। मेरा बस चलता तो मैं आप सबको भी दर्शन करवाती माता के, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यहीं से जो भी है अपनी इच्छाएं मांगे माँ से और अर्जी लगाएं। अब माता के दर्शन के बाद हम भैरवनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। ये सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं, जिससे जल्दी नंबर आ जाए और गेट खुलते वहाँ नंबर आएगा। लेकिन तेज हवाएं चलने के कारण अभी तक रोपवे नहीं खुला है। सभी लोग देखिए वेटिंग में हैं कि कब रोपवे खुले, कब भैरवनाथ की यात्रा पूरी करें। ये लोग देखो कितनी पब्लिक बढ़ती जा रही है, ये पीछे तक लाइन लगी हुई है। सभी लोग सुबह से लगे हैं जिससे जल्दी से जल्दी भैरवनाथ के दर्शन हो। ये देखिए सभी को, कुछ थककर बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। ये देखिए लाइन कितनी लंबी हो गई है, लेकिन ना जाने कब खुलेगा रोपवे, क्योंकि ठंडी हवाएं बंद नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा तेज है। बट कोई नहीं, वेट करते हैं। और ये पहाड़ियों पे सुनहरी पड़ती हुई धूप और पहाड़ियों के बीच में ही माता का मंदिर, अलग ही नज़ारा है ये अपने आप में। ज़्यादा ठंडी हवा चलने की वजह से इन्होंने गेट तो खोल दिया, हम अंदर आ चुके हैं कुछ लोग, लेकिन रोपवे अभी चालू नहीं हुआ है। ये मना कर रहे हैं कि जब तक ठंडी हवाएं बंद नहीं हुई तब तक रोपवे चालू नहीं होगा। ये देखिए कितने मेंबर अंदर आ चुके हैं, बाकी के इन्होंने गेट बंद कर दिया है। ये बोल भी चुके हैं जिनको जाना वो जा सकते हैं, जो नहीं जाना वो वेट करें, अभी नहीं चलेगा रोपवे। देखिए हम तो वेट करना ही पड़ेगा माँ के लिए, जो हट पेशेंट है वो भैरवनाथ नहीं चढ़ सकती, तो इसलिए हम जब तक वेट करेंगे तब तक रोपवे नहीं चलेगा। और ये सभी लोग पूछते हुए परेशान होकर कि रोपवे कब चलेगा, लेकिन सबको एक ही जवाब मिल रहा है कि जब तक हवाएं बंद नहीं होगी तब तक रोपवे नहीं चलेगा। काफ़ी वेटिंग के बाद हम लोग रोपवे में अंदर जा चुके हैं और 5-6 घंटे वेटिंग की हम लोगों ने, लेकिन कोई नहीं, अब निकलेंगे भैरवनाथ के लिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ। हमारा रोपवे चल चुका है भैरव घाटी के लिए और हमारी वेटिंग खत्म हुई। काफी वेटिंग के बाद ये देखिए एक एक मोमेंट आपको दिखाऊंगी ऊपर जाने की। और भैरव के दर्शन करने के बाद कुछ देर रेस्ट करके हम लोग नीचे, फिर रोपवे से नीचे ही जाएंगे। उसके बाद अपना ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे वहाँ भी, नीचे पहुँचना है टाइम से अपने रूम पर। तो आप देखते रहिए, एकदम से भीड़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी रोपवे से पहुँचाई जा रही है भैरवनाथ पर। देखिए वहाँ क्या हाल है, देखने ऊपर जाकर। पर्ची को फेंकी मत, कोई लॉक तो नहीं देखो पड़ेगी। देखिए कितना ऊंचा आ चुके हैं हम लोग, कुछ ही मिनटों में घर बैठे पहुंचे। दूसरे रोड पे जाता है नीचे सवारियों को छोड़ते हुए। ये लगो हम पहुंच ही गए, उतरने वाले हैं लोगों, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। फाइनली हम भैरव घाटी पर उतर चुके हैं और थोड़ा सा दूर है निकल ऊपर पहुंच के, फिर देखते हैं क्या हाल है वहाँ का और फिर दर्शन करेंगे वहाँ के। भैरव घाटी हम पहुंच चुके हैं, ये लंबी लाइन लगी हुई है,
क्योंकि काफ़ी टाइम से रोपवे बंद था, तो एकदम से सारी भीड़ और यहीं आ गई है भैरवनाथ में। ये देखिए अभी दर्शन के लिए हमारे कुछ बंदे लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। यहीं से आप जो भी आपकी मनोकामना है वो मांग लेना और एक बार जयकारा लगा देना जय भैरव बाबा की। तो फाइनली भी हमारी बारी आ चुकी है, हम भी दर्शन करने जा रहे हैं भैरव बाबा के, और दर्शन करने के बाद अपने रास्ते पर निकलेंगे। ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, आपको पहले भी बता चुके हूँ। 6 घंटे एक बार ही आपको भैरव घाटी से पहाड़ियों का व्यूज दिखाती हूँ, क्या गजब व्यूज है आप खुद देखिए। जय माँ भगवती, जय भैरवनाथ, इतना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से निकलने से पहले सोचा आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि ये दिखाने लायक ही है। माँ भगवती वैष्णो देवी का निवास भी इन्हीं पहाड़ियों में है, तो इनका एक अलग ही नज़ारा है, अलग ही एहसास है। यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता, बस लगता है कि इन्हें देखते जाओ, बस देखते ही जाओ। अब यहाँ से हम सभी लोग निकल रहे हैं रोपवे के लिए, और बाकी की बातें रोपवे में जाके करते हैं, क्योंकि देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अभी रोपवे से हम नीचे भवन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि रोपवे का 100 रुपये टिकट आना और जाना होता है, इसलिए हम उसी से जा रहे हैं वापस। रोपवे का रास्ता बस वापिस जा रहे हैं हम लोग। ये देखे बैठे हुए जाते हुए वापस लोग दर्शन करके भैरवनाथ के। तो गाइस हम माता के भवन से अब कटरा की ओर निकल पड़े हैं वापस में, और ठंडी ठंडी हवा बहुत ज्यादा चल रही है, वहाँ धूप निकल रही है भवन पे, लेकिन रास्ते में इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, बट कोई बात नहीं। जैसे हमने आने टाइम रास्ता कवर किया था, ऐसे जाने में भी कवर जल्दी कर लेंगे। अभी इतना ही रास्ता और बचा है हमारा खत्म करने में, तो जल्द सोचेंगे 2 घंटे में हम नीचे पहुंच जाएं। वैसे ही चलते रहेंगे, जाना। तो अब हम अर्धकुंवारी से आगे निकल चुके हैं और 2.5-3 घंटे में अपना रास्ता खत्म कर लेंगे, जल्दी से जल्दी, दिन ही दिन में। तो अभी हम लोग गुलशन कुमार भंडारे तक आ चुके हैं उतर के, अब ये हम तो नहीं जा रहे हैं, बाकी मेंबर जा रहे हैं। जो मेरा मेंबर है वो आगे की वीडियो बना के लाएगा, आप देखते रहिए। ये नीचे जा रहे हैं ये लोग खाने के लिए, यहाँ से जाते हैं भंडारा खाने, डेली होता है, इसकी टाइमिंग भी होती है। यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतारे जाते हैं, यहाँ से जूते चप्पल उतार के हम जा रहे हैं अंदर।
और जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कैसे बैठते हैं लोग और कैसे भंडारा होता है। और जो आपकी यूट्यूबर थी वो आई नहीं, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो वहाँ पे ऊपर बैठी हुई हैं। और ये देखिए अंदर का कैसे कैसे भंडारा हो रहा है, ये यहाँ पे सारी सब्जियाँ और सब जो खिलाते हैं वो रखा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए ये लोग बैठ के खा रहे हैं भंडारा। अभी मैं भी बैठूँगा और मैं भी खाऊँगा, और मिलते हैं आपसे भंडारा खाने के बाद। तो गाइस अब लंगर खा के आ चुके हैं, और लंगर काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था, तो खा के मज़ा आया। और हम थोड़ा थक भी गए थे, तो लंगर खा के थोड़ी सी थकान भी दूर हो गई हमारी। बाकी लंगर काफ़ी स्वाद बना हुआ था, आप भी आके खा सकते हैं। लंगर के अंदर बेसिकली बता दूँ आपको तो कढ़ी, राजमा, चावल और पूड़ी होती है, तो काफ़ी स्वाद बने होते हैं। और डेली होता है भंडारा, तो आप खा सकते हैं। हम सब ने तो खा लिया, काफ़ी मज़ा आया खा के। बाकी अब चलते हैं ऊपर और रूम पे चल के आपको मिलते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए गाइस ये कैसे स्क्रीन पीने में लगा हुआ है, किसी की स्क्रीन इंसान तो इंसान पी रहे हैं। ये देखिए कहाँ से है, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। ये नीचे से माता की चढ़ाई का नज़ारा देखिए, ऊपर यह दुपारी का चमकता हुआ मंदिर, बहुत ही प्यारा व्यूज है ये भी। और हम लोग अब नीचे पहुंच चुके हैं अपने रूम पर। ये देखिए ये नाम है इसका श्री मातेश्वरी पैलेस, बहुत ही अच्छा रूम है यहाँ, एकदम साफ सुथरा सब कुछ अवेलेबल है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ऊपर जाएंगे चाय का ऑर्डर देंगे, और चाय पीने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खा पी के फिर सोएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, पूरा वेटिंग में टाइम निकल गया। ये भैया देखिए चाय लेके हमारी आ चुके हैं, और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार ज़रूर यहाँ रुकें। ये चढ़ाई के पास है श्री मातेश्वरी पैलेस, जिसका नाम मैं दिखा चुकी हूँ आपको। सभी को लास्ट यही कहूँगी, यहाँ ज़रूर आएँ एक बार। जय माता दी भैया, जय माता दी। और चाय पियो, चलो ये हमारी चाय नाश्ते के साथ, अब चाय पियेंगे उसके बाद लंच करेंगे, और उसके बाद हमारी ट्रेन कल की है, तो निकलेंगे घर के लिए। इस समय मैं चाय पीने के लिए मम्मी पीने लगी, तो इनको इनको भूख ज्यादा लग रही थी, चाय ज्यादा पी, चाय ज्यादा पीते मम्मी हमारी, ये चाय ज्यादा, और ये चाय वाले, चाय वाले में चाय ज्यादा, मैं रवि बेटा, और ये खाने वाला, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। इस भैया ने बहुत अच्छा रूम पे खाना भी दिया था, वो देगा बिस्कुट। ये मैनेजर है, जिन्हें हम जीजी बोलते हैं, और ये दूसरे रूम में रहने आया था, यहाँ घुस गया, हम तो मजा आ रहे थे रहने के लिए। ये नैनी, ये बस माता माता छप रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, रात भर बारिश से देखिए माता के भवन का क्या हाल है। यहाँ पे अर्धकुमारी दिखता था यहाँ टॉप पे सबसे ऊपर, अब दिखने रहा क्योंकि रात भर बारिश हुई है, इसकी वजह से धूल समझ लो या इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कह नहीं सकते, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखिए तो माता रानी भवन की इन यादों के साथ में माता वैष्णो देवी सीरीज के तीसरे ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, नए हो तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब। प्लीज़ एक बार ज़ोर से बोलिए जय माता दी, जय माता।